Joseph. Trouble? Looks like we'll have to send someone down. A lot of people asking for help for a man named George Bailey. George Bailey? Yes, tonight's his crucial night, you're right. We'll have to send someone down immediately. Hello friends, तो आज की हमारी मूवी है ये. जी हाँ, It's a Wonderful Life. और हीलिंग वैल्यू जो इस मूवी में है, पहली, whatever you have is the best. दूसरी, you are more important to your friend and your family than you thought. चलिए तो अब आते हैं स्टोरी पर. तो ये है स्टोरी जॉर्ज बेले की, जो अपनी लाइफ से परेशान होके डिसाइड करता है सुसाइड करने की. लेकिन उसकी फैमिली उसकी वेलबींग के लिए कर रही थी प्रेयर्स, इसलिए हेवन से एक एंजल को उसकी हेल्प करने के लिए नीचे भेजने का फैसला किया गया. वो एंजल जॉर्ज की अच्छे से हेल्प कर सके, इसलिए उस एंजल को जॉर्ज के लाइफ को एज अ फ्लैशबैक दिखाया गया. George saved his brother's life that day, but he caught a bad cold which infected his left ear. What is this blade voice of capsules? Mr. Gower, you don't know what you're doing. You put something wrong in those capsules. I know you're unhappy. You got the telegram and you're upset. You put something bad in those capsules. It wasn't your fault, Mr. Gower. जी हाँ, अगर जॉर्ज नहीं होता तो जॉर्ज का भाई हैरी बर्फ के पानी में लपके मर जाता. और अगर जॉर्ज नहीं होता तो जॉर्ज का ओनर एक बच्चे को गलत दवाई देने के जुर्म में जेल चला जाता. फिर धीरे धीरे जॉर्ज बड़ा हो गया और अब उसके कॉलेज ज्वाइन करने का टाइम आ गया. लेकिन जॉर्ज का प्लान था कि वो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले जाएगा वर्ल्ड टूर पर. जॉर्ज, कम ऑन होम क्विक, योर फादर्स हैड अ स्ट्रोक. जी हाँ, जॉर्ज के फादर को हो गया हार्ट स्ट्रोक और उसकी वजह से उनकी हो गई डेथ. इसलिए जॉर्ज का कॉलेज जाने का और वर्ल्ड टूर का सपना हो गया क्रैश. इसीलिए जॉर्ज को अपने फादर की कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ी. तो उसने सोचा क्यों ना अपनी कॉलेज फीस के पैसे अपने भाई को दे दिए जाए, सो दैट वो ग्रेजुएट होके फिर इस कंपनी को संभालेगा और मैं जाऊंगा वर्ल्ड टूर पर. Hey, what's a pretty girl like you doing marrying this two-headed brother of mine? Well, I'll tell you, it's purely mercenary. My father offered him a job. Oh, he got you and the job. Well, Harry's cup running over. जी हाँ, हैरी जब वापस आया तो उसके साथ थी उसकी वाइफ, और उसके वाइफ के फादर ने दे दी थी उनकी कंपनी में उसे एक बहुत अच्छी सी जॉब. तो अब वो तो जॉर्ज के फादर की कंपनी नहीं संभालने वाला था, इसलिए जॉर्ज फिर से वहीं अटक के रह गया. फिर जॉर्ज ने कुछ दिन बाद अपने चाइल्डहुड लव मैरी से कर ली शादी, और फिर उसने सोचा अब अपनी वाइफ के साथ मैं जाऊंगा वर्ल्ड टूर पर. लेकिन फिर क्या हुआ देखो. We're gonna shoot the works. A whole week in New York, a whole week in Bermuda, the highest hotels, the oldest champagne, the richest caviar, the hottest music and the prettiest wife. My husband hasn't worked in over a year, and I need money. How am I going to live until the bank opens? I got doctor bills to pay. I need cash. I can't keep my kids on faith. I've got to have. How much do you need? जी, जॉर्ज ने जो भी सेविंग करी थी अपने वर्ल्ड टूर के लिए वो उसे मजबूरन अपनी कंपनी में लगानी पड़ी, क्योंकि उसकी कंपनी थी बंद होने की कगार पर. फिर जॉर्ज ने अपने टाउन के लोगों के लिए अफोर्डेबल प्राइस में एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई जिसका नाम था बेलीज पार्क, और सब बहुत खुश हो गए. एंड उनका था एक राइवल पॉटर जिसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और उसने सोचा क्यों ना मैं जॉर्ज को अपनी कंपनी में रख लूं असिस्टेंट, सो दैट वो अपना काम कर दे बंद. And the answer is no, no. Doggone it. You sit around here and you spin your little webs and you think the whole world revolves around you and your money. Well, it doesn't, Mr. Potter. जी, जॉर्ज पॉटर की सारी प्लानिंग समझ गया था, इसलिए उसने उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया. फिर आया वर्ल्ड वॉर टू का टाइम, जिसमें हैरी तो एज अ नेवी कैप्टन सेलेक्ट हो गया, लेकिन जॉर्ज सेलेक्ट नहीं हो पाया. वर्ल्ड वॉर टू हो गया खत्म, और हैरी को मिला ब्रेवरी मेडल, जिसकी वजह से जॉर्ज, जॉर्ज की अंकल बिल्ली, जॉर्ज की पूरी फैमिली, इवन पूरा टाउन बहुत
खुश था क्योंकि ये न्यूज़ न्यूज़पेपर में आई थी और उनकी फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। तो अब कंपनी के कुछ पैसे लेके उसके अंकल बिली गए बैंक में, जहाँ पे उन्हें मिला उनका राइवल पॉटर। और उस पॉटर को सड़ाने के लिए उसके अंकल ने फटाफट दिखाया वो न्यूज़पेपर, और फिर क्या हुआ देखो। You just can't keep those Baileys down. Now can you, Mr. Potter? जी हाँ, गलती से बिली ने जो पैसे का एनवलप था वो भी न्यूज़पेपर के साथ ही पॉटर को दे दिया। और पॉटर तो बहुत ही ध्रुत आदमी, उसने बताया भी नहीं क्योंकि उसे पता था वो कस्टमर्स के पैसे हैं और अगर वो उनके पास नहीं होंगे तो उनकी कंपनी हो जाएगी बंद और जॉर्ज जाएगा जेल में। अब जब जॉर्ज को ये बात पता चली तो वो हो गया बहुत ही उदास, क्योंकि वो श्योर था कि अब वो जाएगा जेल में, कंपनी हो जाएगी बंद। फिर क्या हुआ देखो। जॉर्ज करने वाला था सुसाइड और इसी के लिए वो गया उस ब्रिज पे, लेकिन इससे पहले जॉर्ज जंप करता तो वो जो एंजल ऊपर से भेजा गया था उसने कर दिया जंप और जॉर्ज उसे बचाने के लिए नीचे कूद गया। जब जॉर्ज ने एंजल को बचा लिया तो उसने जॉर्ज को बताया कि वो यहाँ उसी की हेल्प करने आया है, क्योंकि उसे पता था कि वो ब्रिज से कूद के करने वाला है सुसाइड, इसीलिए वो पहले ही कूद गया। जॉर्ज को लग रही थी उसकी बातें बिल्कुल बकवास, क्योंकि जॉर्ज के हिसाब से ऐसे एंजल्स नीचे नहीं आते। फिर जैसा कि हमें पता है जॉर्ज अपनी लाइफ से था बहुत परेशान, तो वो बातों बातों में एकदम से बोल देता है कि काश मैं कभी पैदा ही ना हुआ होता। Don't you know me? What happened to us? I don't know. You let me go. Mary, please. Oh, don't do this to me. Please, Mary. Help me. Where's our kids? I need you, Mary. Help me. Your brother Harry Bailey broke through the ice and was drowned at the age of 9. That's a lie. Harry Bailey went to war. He got the Congressional Medal of Honor. He saved the lives of every man on that transport. Every man on that transport died. Harry wasn't there to save them because you weren't there to save Harry. जी, जॉर्ज की एग्जिस्टेंस हो गई खत्म, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे नहीं पहचाना, उसकी बीवी उसे देख के चिल्लाने लगी, इवन उसने अपने भाई हैरी की ग्रेव देखी जो कि 1912 में ही मर चुका था। तो जॉर्ज हो गया बहुत ही परेशान और वो परेशान होके एंजल को ढूंढने लगा, क्योंकि उसका मानना था कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ उस एंजल ने किया है। तो वो उसे ढूंढने लगा कि सब कुछ ठीक करो, लेकिन एंजल हो गया था वहां से 9-2-11। और जॉर्ज बहुत परेशान हो गया और उसने परेशान होके विश किया कि प्लीज मुझे मेरी लाइफ दे दो। उसके बाद क्या हुआ देखो। Hey George! George! What do you know about that? Merry Christmas! जी हाँ, सब कुछ जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब जॉर्ज को अरेस्ट होने का भी कोई डर नहीं था, इसलिए वो खुशी खुशी भागा भागा अपने घर गया जहाँ पुलिस उसको अरेस्ट करने का वेट कर रही थी। लेकिन जॉर्ज की वाइफ और उसके अंकल बिल्ली ने टाउन से कुछ डोनेशंस कलेक्ट करके जितने पैसे गुम हुए थे उससे भी ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए, इसलिए पुलिस भी वहां से चली गई। और जॉर्ज को क्रिसमस गिफ्ट में मिली एक बुक जो कि उसी एंजल ने भेजी थी, और उसमें क्या था देखो। That's a Christmas present from a very dear friend of mine. Gee, no man is a failure who has family and friends. और इसी के साथ मूवी हो गई खत्म। अब आते हैं हीलिंग वैल्यूज पर। पहली, whatever you have is the best. जैसा कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो जितना है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए और अपनी खुशियों के पैरामीटर सेट नहीं करने चाहिए। अब जॉर्ज ने भी मूवी में बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि वो कॉलेज जाएगा, वर्ल्ड टूर जाएगा, जो एंड तक भी पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन वो खुश था और सेटिस्फाई था क्योंकि उसकी थी एक प्यारी सी फैमिली और थे बहुत ही सपोर्टिंग फ्रेंड्स। हमारा दूसरा हीलिंग पॉइंट है, यू आर मोर इम्पॉर्टेंट टू योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली देन यू थॉट। जी हाँ, अक्सर हमें ये लगता है कि हमारी जो फैमिली है या हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी लाइफ में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिर्फ हमारे दिमाग में होता है और रियलिटी में ऐसा
कुछ नहीं होता। अब मूवी में जॉर्ज बिना कुछ सोचे समझे चल दिया था सुसाइड करने, लेकिन एंजल की वजह से उसे ये समझ में आ गया कि उसकी लाइफ है दूसरे लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और उसके फ्रेंड्स और उसकी फैमिली के लिए वो है बहुत ज़रूरी। इसलिए उसे फाइनली अपनी लाइफ की वैल्यू समझ में आ गई और वो जैसा था उसमें खुश रहना सीख गया। चलिए तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो करती हूँ यहीं पे खत्म, और हमारी अगली बार की मूवी है इंग्लिश विंग्लिश। मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।